हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई क्राइम कमिट होता है, किसी के साथ कोई हादसा पेश आया, किसी की चोरी हो गई, किसी के साथ मार पिटाई हुई है, किसी के साथ चलती हुई ट्रेन के अंदर किसी का मोबाइल चोरी हो गया, ऐसे बहुत सारे मैटर्स आते हैं जिसके अंदर लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता होता कि उनके साथ उन्हें कहाँ पर अपनी FIR को रजिस्टर्ड कराना है, कहाँ पर कंप्लेंट करनी है। मान लो एक व्यक्ति चलती हुई ट्रेन के अंदर था, वो दिल्ली से उसे जाना था आगरा, इस बीच में बहुत सारे स्टेशंस आए, उसकी जेब में एक मोबाइल था, जो मोबाइल उसे खुद नहीं पता कि कहाँ पर किसी व्यक्ति ने चुरा लिया, और जब वो आखिर में आगरा पहुँचा तो वहाँ पर उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसका मोबाइल चोरी हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में एक कानूनी पॉइंट यहाँ पर ये उजागर होता है कि जहाँ पर एग्जैक्टली क्राइम कमिट हुआ है वहीं पर ही FIR रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब क्योंकि दिल्ली से आगरा के 200 किलोमीटर के डिस्टेंस में उसे खुद नहीं पता कि कहाँ पर उसके साथ एग्जैक्टली मोबाइल चोरी की वारदात हुई है, तो अब ये कानूनी पहलू है कि यहाँ पर उसके लिए क्या एक लीगल रेमेडी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर लीगल रेमेडी ये है कि वो व्यक्ति एक ज़ीरो FIR रजिस्टर्ड करा सकता है उस जगह पर जहाँ पर उसको सबसे पहले ये पता लगा कि मेरा मोबाइल चोरी हो चुका है। फ्रेंड्स, ज़ीरो FIR भी नॉर्मल FIRs की तरह होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास सबूत है, जो भी आपको पता है अपने मैटर से रिलेटेड, आप उसी पुलिस स्टेशन में जाकर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताइए और वहीं पर ही वो एक आपके लिए एक FIR रजिस्टर्ड करेंगे और उसके बाद उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जहां पर वो क्राइम कमिट हुआ होगा उस क्षेत्र का जो पुलिस स्टेशन है वहां की ज्यूरिसडिक्शन में आपकी FIR को खुद पुलिस वाले ट्रांसफ़र कर देंगे और आपका मैटर फिर उस पुलिस स्टेशन के अंदर चलाया जाएगा जहाँ पर एग्जैक्टली क्राइम कमिट हुआ है। तो ये एक नॉर्मली FIR होती है, लेकिन कानून ने आपको कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए हैं जिनका ना पता होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। या मान लो मैंने अपने मोबाइल चोरी की FIR नहीं की और उस मोबाइल से 2 महीने 4 महीने बाद कोई अगर क्राइम कमिट होता है तो फिर उसकी सारी लायबिलिटी या जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, यानी कि जिसका मोबाइल चोरी हुआ है। तो फ्रेंड, ये ज़ीरो FIR का एक कानून मैंने आपको यहाँ पर बताया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और एड ऑन करनी ज़रूरी है कि क्रॉस FIR किसे कहते हैं। अक्सर ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि क्रॉस FIR क्या होता है, क्या ये एक नॉर्मल FIR होती है, क्या इसके क्या तरीका है इसे रजिस्टर्ड कराने का, क्या इसके लिए वकील के पास जाना ज़रूरी है या इसके लिए मैजिस्ट्रेट के पास जाना ज़रूरी है, ये इसका क्या प्रोसीजर है, बहुत सारे सवाल मुझसे अक्सर पुटअप किए जाते हैं। फ्रेंड्स, क्रॉस FIR क्या होती है, मैं आज आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लो ए ने बी के साथ कोई वारदात की, ए ने बी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, मार पिटाई की और उसका मोबाइल छीन लिया। उसके बदले में बी ने भी उसके साथ मार पिटाई की और उसको भी चोट पहुँचा दी। अब यहाँ पर ए ने बी के ऊपर एक FIR कराई और बी ने भी ए के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि मेरे साथ भी ये वारदात हुई है, मार पिटाई हुई है, तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर FIRs करा दी, जिनको क्रॉस FIR कही जाती है। यानी कि एक ही लड़ाई के अंदर दोनों ही मुलजिम हैं और एक ही लड़ाई के अंदर दोनों ही कंप्लेनेंट हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली ऐसे मैटर्स जो रजिस्टर्ड होते हैं वो आम तौर पर प्रेशर बनाने के लिए किए जाते हैं कि अगर मेरे खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हो गई है तो मैं भी एक FIR अपने अपोजिट पार्टी के ऊपर रजिस्टर्ड कराऊं ताकि आगे चल के मेरा सेटलमेंट हो सके, ताकि मैं इसके ऊपर इतना प्रेशर बना सकूं कि हम दोनों का मुकदमा ख़त्म हो सके। ये एक जनरल प्रैक्टिस है जो लोग किया करते हैं, लेकिन दोनों का ट्रायल अलग चलता है, कभी कभी जजेस भी अलग हो सकते हैं और दोनों की तारीखें भी अलग अलग पड़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक क्रॉस FIR से रिलेटेड ये प्रोविजंस हैं। एज सच कोई प्रोविजन नहीं है कि जिसके तहत आप एज ए मैटर ऑफ राइट, यानी कि अपना अधिकार समझते हुए आप क्रॉस FIR कर सकें। अगर आपके हालात ऐसे बनते हैं कि आपके साथ भी कोई वाकया हुआ है तो आप भी क्रॉस FIR करवा सकते हैं, जिसके लिए आपके पास सबूत होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए और सरकमस्टांसेस होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ज़ीरो FIR और क्रॉस FIR दोनों आज इस टॉपिक में मैंने कवर किए हैं। इससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।